वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल। आज हम अपना साइंस का चैप्टर 7 शुरू करेंगे। उसकी हेडिंग है एयर एंड वाटर। तो ये लेक्चर नंबर 1 है एयर एंड वाटर। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एयर की। तो हमने हमारी बुक में, अगर आप बुक देखें तो बुक में कुछ चीज़ें दी हुई हैं पहले ही चैप्टर में। और उसमें लिखा है कि हम एयर को कितनी शक्लों में जानते हैं। तो इसमें कुछ दी हुई हैं चीज़ें, जैसे इसमें दिया हुआ है विंड, तेज चलने वाली हवाएं, ब्रीज जो आहिस्ता आहिस्ता सुखद हवाएं जिनको कहते हैं, स्टॉर्म जो तूफानी हवाएं होती हैं, और इसमें एक दिया है हरिकेन जो बहुत ही खतरनाक होता है और चीज़ों को अपने साथ उड़ा के भी ले जाता है। उसके बाद एयर के बारे में इसमें एक सवाल लिखा है कि एयर किस चीज़ से मिलकर बनी है। तो हम आपको बताएं कि एयर को आमतौर पर एक मिक्सचर के तौर पर जाना जाता है, और इस मिक्सचर में जो चीज़ें शामिल हैं वो हम आपको बताएं। इस एयर में शामिल है 78% नाइट्रोजन इस मिक्सचर में, एयर के इस मिक्सचर में, या एयर जिसको हम कहते हैं उसमें 78% जो है नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और तकरीबन 1% से कम ही डस्ट पार्टिकल है, मॉइस्चर है, और कुछ इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस को आप ऐसे जानिए कि इनर्ट गैसेस जो रेडान, क्रिप्टान, ज़ीरॉन, नियॉन, ये सब इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस का मतलब होता है जो किसी से रिएक्ट ना करें, ऐसे इनर्ट गैसेस भी एयर के इस मिक्सचर में मौजूद हैं। तो एयर एक मिक्सचर है क्योंकि इन सारी चीज़ों को, यानी नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, मॉइस्चर को, डस्ट पार्टिकल को सेपरेट किया जा सकता है ये। और एयर में इनकी अपनी अपनी क्वालिटी भी पता चलती रहती है, इसीलिए कहा जाता है इट्स एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहरहाल तो हमारे प्लैनेट के चारों तरफ ये एयर जो है एक एनवलप बनाए हुए है। इस एनवलप को हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। एटमॉस्फेयर की भी कई लेयर्स हैं। इस एटमॉस्फेयर को हमारे प्लैनेट के करीब रखने में हमारे प्लैनेट की ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटी मदद करती है, और ये एटमॉस्फेयर हमारे प्लैनेट के चारों तरफ मौजूद रहता है। इस एटमॉस्फेयर को अगर हम स्टडी करें तो पता चलता है कि इसमें कई लेयर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और उसके बाद कई 100 किलोमीटर तक ये एटमॉस्फेयर बना हुआ है। इस एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स हैं। इसमें सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फीयर, ये तकरीबन 20 किलोमीटर्स है ना सरफेस से लेकर, और 20 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फीयर है। उसके बाद दूसरी लेयर 20 किलोमीटर से शुरू होती है और तकरीबन 50 किलोमीटर तक कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर ये तकरीबन 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, यानी 20 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फीयर, और ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर दूसरी लेयर है, ये तकरीबन 50 किलोमीटर तक रहती है। तीसरी लेयर है मीजोस्फीयर, ये 50 किलोमीटर से शुरू होती है और तकरीबन 85 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस है। तो ये थिकनेस
थिकनेस होती चली जाएगी जैसे जैसे इसकी लेयर्स बढ़ेंगी। उसके बाद थर्मोस्फीयर है, ये 85 से लेकर 85 किलोमीटर से लेकर ये 639 किलोमीटर तक है। तो ये हम लिख दें 20 किलोमीटर थिक, ये 50 किलोमीटर थिक, ये 85 किलोमीटर थिक, ये 85 to 690 किलोमीटर, 854 किलोमीटर थिक। उसके बाद फिफ्थ लेयर है मेसोस्फीयर, लास्ट है ये मेसोस्फीयर, ये 690 किलोमीटर तक ठीक है फ्रॉम द सरफेस। इस तरह से हमको पता चलता है कि हमारे एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फीयर 20 किलोमीटर थिक फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, नंबर 2 स्ट्रेटोस्फीयर, ये 20 किलोमीटर से शुरू होकर 50 किलोमीटर तक। उसके बाद मेसोस्फीयर, ये 50 किलोमीटर से शुरू होकर 85 किलोमीटर तक। और थर्मोस्फीयर फोर्थ लेयर 85 किलोमीटर से शुरू होकर 6854 किलोमीटर तक। और उसके बाद लास्ट लेयर जो है वो मेसोस्फीयर, ये सबसे बाहर की लेयर है मेसोस्फीयर के लिए मेसोस्फीयर तो हो गई। दिस इज एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर इज दी लास्ट और दी अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये तकरीबन 690 किलोमीटर तक। इन सारी लेयर्स को एटमॉस्फेयर की एक जगह जमाए रखने के लिए ग्रेविटी काम करती है। तो ये एक इतना थिक एक एनवलप है जो हमारे प्लैनेट के चारों तरफ। इसके बाद अगर आगे बात करें